रमजान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हम अपनी शेफ के किचन में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर धुआं बड़ा उठ रहा है। ये क्या कर दिया आपने, आग शाग तो नहीं लगा दी? नहीं, नहीं, मैं पराठे तलूंगी। पराठे तल रही, तो पराठा तो इस पे है नहीं, वो मैंने पीछे रखे हुए हैं। पीछे रखे हुए इन्होंने। अच्छा, ये इनकी क्वालिटी मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ पर आँच का थोड़ा मसला हुआ था, तो ये इन्होंने अल्टरनेट भी निकाला है और इन्होंने कहा है कि जो पराठे होंगे वो बिल्कुल कच्चे नहीं होंगे। पक्की बात है? हाँ, हाँ, क्योंकि अगर ये कच्चे हुए तो मैं ऑन एयर बोल दूंगा। नहीं नहीं, कच्चे नहीं होंगे, ये मैं बता दूँ कि मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा, मैं ऑन एयर बता दूंगा कि आपने कच्चे बनाए। अच्छा, ये जो आप बना रही हैं ड्रिंक, इसका नाम क्या है? ये फालूदा मिल्क शेक। फालूदा मिल्क शेक। अच्छा, पराठे, फालूदा मिल्क शेक, इसके साथ मक्खन भी रख दें, देसी घी भी रख दें, हम सब खा लें ताकि उसके बाद हमारा वजन बढ़ जाए। वजन उनको बता दिया, अब इन्होंने सोचा है जो मैं डाल सकती हूँ ना वो डाल दूँ। अच्छा, तो इसमें फालूदा मिल्क शेक में आप क्या क्या मिला रही हैं? इसमें आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी, रोज सिरप है, ओके, और इसमें बेजल सीड्स है, मतलब थुक मलंगा है इसमें, और ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, बादाम है और कंडेंस मिल्क है। अच्छा, वो जो हमें मिल रहा होता है दुकानों पर, जेली है, जेली भी है। हाँ। मतलब फुल हैवी इन्होंने सोचा हुआ है कि हमें सहरी कराएंगी हैवी, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे वो अभी हम जाके जो है शाह नज़ीर साहब से पूछते हैं। अच्छा शाह नज़ीर साहब, एक चीज़ और बड़ी हमारे यहाँ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि अक्सर लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत है तो हमारा रंग जो है वो कम पड़ जाता है और काला हो जाता है, तो इसके लिए कोई आपके पास नुस्खा है तो बताइएगा हमारे नाज़रीन को, जो रंग उनका जिनका झुलस जाता है, काला हो जाता है, वो किस तरह अपना रंग सही करें? शरीफ भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी बताया, आपने भी बताया, हीट स्ट्रोक की हवाले शिद्दत को किस तरीके से कम कर सकते हैं, बिल्कुल, तो उसके लिए आप एक मामूल बना लें, तीन चीज़ें घर पे रख लें, गोंद कतीरा, तुख्मे बलंगा, जी हाँ, गोंद कतीरा, तुख्मे बलंगा और इस्पगोल दाना, एक इस्पगोल भूसी होती है, एक इस्पगोल दाना होता है, ये तीनों मिला लें आप 50-50 ग्राम, मिक्स कर लें, पीसने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी एक चम्मच इसमें से मिक्स किया हुआ एक चम्मच एक गिलास दूध में, या एक गिलास आप कोई भी लाल शरबत बना रहे हैं या कोई भी मशरूब आप बना रहे हैं उसमें एक चाय वाला चम्मच मिक्स करके इफ्तार के बाद पिए और सहरी को पिए, आप देखें पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा। दूसरी चीज़, पेट में आग लगी हुई होती है, गर्म गर्म महसूस हो रहा होता है, जलन हो रही होती है, ये उससे भी महफूज रखेगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। और दूसरी चीज़, जिस तरह आपने कहा कलर फेयर करना, कलर फेयर करना हर एक की एक कोशिश होती है, तो उसके लिए तीन जड़ी बूटियाँ हैं, गुलेमुंडी, उन्नाब, पनीर। गुलेमुंडी, उन्नाब और गुले पनीर, एक पनीर फूल होते हैं, ठीक है, ये थोड़े से कड़वे होते हैं, पांच दाने गुलेमुंडी के, पांच दाने उन्नाब के, पांच दाने पनीर बूटी के, एक गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें एक टाइम रोज़ाना। इससे एक तो खून भी साफ़ होगा, जिन लोगों को गर्मी दाने या आम तौर पे भी दाने निकल रहे हों या एक्नी के दाने निकल रहे हों, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है, स्किन को भी क्लियर करने में बेहतर है ये। और फेस पे लगाने के लिए आप ले लें 100 ग्राम उपटन, उसमें 10 ग्राम हुस्न यूसुफ, 10 ग्राम सीपियों का पाउडर, 10 ग्राम समंदरी झाग, 10 ग्राम अनार के फूल, इनको मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें, फिर उसके बाद जितना लगाना हो उतना आपने पानी में या अरके गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे, गर्दन पे, हाथ पांव पे, पूरी बॉडी पे लगा लें, ठीक है, 15 मिनट रुक जाएं, 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रहें। सवाल वही मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि जी रंगोरा करने का बता दें, तो आप इसको बिल्कुल देख लें जिन्होंने बताया है और आप उनको लिख के भी दे दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं शरीफ भाई बताऊँगा, इस रमज़ान के सीज़न में आमतौर पर भी आम जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, सुस्ती, काहली होती है, और उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ का बायस बनती है जो डायबिटिक पेशेंट हो, बिल्कुल, या जिनको घुटनों में गैप की प्रॉब्लम है, टक टक आवाज़ आती है, कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, तो वो इस रमज़ान के महीने में अगर कोशिश करें कि एक छोटा सा नुस्खा है चार जड़ी बूटियों का, उसमें है असगन नागौरी, चौप चीनी, सफ़ेद मूसली, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर सहरी को ले लें और शाम को इफ्तारी के बाद ले लें एक कप दूध के साथ, और इंशाल्लाह 15 दिन में ये पेशेंट दौड़ेगा भी, तकलीफ कम होगी, बहुत कम हो जाएगी, और 2 महीने यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इनका जो कार्टिलेज कम हो जाता है ना घुटनों में से, रेशा कम हो जाता है, ये भी पूरा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप लिख भी सकते हैं और अल्लाह पाक में आप देख लीजिएगा दोबारा, अगर आपको कुछ उसमें अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ ऐसा इंग्रेडिएंट समझना, और ये तमाम नेमतों को कहते हैं ना बेशक, अल्लाह ये भी एक दरख्त है, अल्लाह पाक ने कितने दरख्त पैदा किए हैं, कितनी लकड़ियाँ पैदा की हैं, सब काम किए हैं,
ये आम पत्थर जो पड़े हुए होते हैं ये भी काम के हैं, किसी न किसी काम में लिया जा सकता है। बिल्कुल, और ये जो अभी बात की है शाह नज़ीर भाई ने, ये बड़ी ज़बरदस्त की है क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ भी जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है। हम कहने को तो कहते हैं एक दरख्त है, एक पत्ता है, और शायद क्योंकि हमें नहीं इतना इल्म होता, लेकिन ये वाकई कितनी बड़ी नेमतें जो अभी हमें शाह नज़ीर भाई ने बताई। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ जहाँ बहुत सारी नेमतों की बात होती है वहीं बेटी को नेमत कहा जाता है, इसकी क्या वजह है कि बेटी को नेमत क्यों कहते हैं? बेटी को रहमत कहते हैं और बेटे को नेमत क्यों कहा जाता है, ये मकसद पूछा जा रहा है। अच्छा बेटा, देखें हदीस पाक के मुताबिक कि जैसे बेटी रहमत है और बेटा नेमत है, तो नेमत इसलिए कहा जाता है कि आप ये देखते हैं कि रहमत जो है ना उसको कहते हैं एक चीज़ मौजूद हो उसमें बरकत हो जाए, इसमें ज़्यादा तादाद में इजाफा हो जाए। नेमत वो होती है कि नेमतें जो हैं अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ें, आँख नेमत है लेकिन आँख का सही इस्तेमाल जो है उस नेमत में इजाफा फरमा देता है। इसी तरह बेटा अल्लाह ताला ने अता फरमाया है तो बेटा के अल्लाह के रसूल की बेटी अपने घर से रुखसत हो जाती है। वो जो अफ़आल, वो जो किरदार जो बाप एक सरपरस्त के तौर पर अदा कर रहा होता है, बाप की इजाफत के बाद, बाप की कमज़ोरी के बाद वही किरदार वही अफ़आल एक नौजवान बेटा सर अंजाम दे रहा होता है। तो जिस तरह माशी तौर पर बाप घर वालों के लिए फ़िक्रमंद होता है, बाप घर वालों के लिए परेशान होता है, इस तरह जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो अल्लाह वो फ़िक्र बेटियों को तो अता करता है दरअसल, लेकिन उनका अपना एक घर है, लेकिन वो फ़िक्र जो बाप का जो ज़ाती उस घर के लिए फ़िक्रमंदी होती है, अल्लाह वो फ़िक्र डाइवर्ट बच्चे में यानी लड़के में वो एक सहारा बनता है। और इसी तरीके से आप अगर कायनात में देखें कि वैसे तो आखरत में जो नस्ल है वो बेटी के नाम से शुरू होती है कि माँ के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा। बेटी बिल्कुल, जो भी औलाद होंगे वो माँ के नाम से पुकारे जाएंगे आखरत में कि ये किसका बेटा है। लेकिन दुनिया में आप देखें कि जब बेटा जो होता है वो आपके एक नस्ल बढ़ाने का एक ज़रिया अल्लाह ताला बनाता है, तो अल्लाह ताला ने वो इसलिए भी एक नेमत है। और आप ये देखें कि बेटी के अंदर जो सिफत है ना, जैसे आप ये कहें कि अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत सारी नेमतें बहुत सारी रहमत अता फरमाई, लेकिन बेटा वो होता है जहाँ की मिसाल तौर पे जिस माँ का बेटा होता है ना तो उसके अंदर की जो छाती वो मजबूत होती है जिस तो बात मुफ्ती साहब जो घर में बेटियाँ होती हैं उसका तो एक अलग ही रौनक होती है, और कहते हैं कि जब बेटी चली आती है तो रहमत कम हो गई। ये तो आप बेटियों की तो बात, मैंने कहा ना बेटियों की तो मिसाल ऐसी है कि सबसे पहली बात कि मेरे नबी को अल्लाह ने बेटे तो दिए लेकिन इस दुनिया से चले भी गए, लेकिन मेरे नबी को अल्लाह ने प्यारी बेटियां दी, जिनमें एक नाम फातिमा ज़हरा ताला का आता है। तो बेटी तो बड़ी नेमत रहमत है और इनकी शौजा दिलवा रहा हूँ। और हकीकत बात है कि बाप का ताल्लुक बेटियों से बहुत होता है, लेकिन बेटा भी मैंने कहा कि नेमत क्यों कहा गया, इस वजह से कि वो बेटा सहारा बनता है माँ के लिए भी, बाप के लिए भी और अपने घर के लिए भी। तो इसलिए फरमाया कि बुजुर्गों का आपने देखा होगा, और अभी जो एक बात कही ना उन्होंने कि भाई कि ये सब चीज़ें जो नेमतें हैं, और जैसे आप बात करें गोरा होने के लिए, और अभी हमारे डायरेक्टर साहब के लिए भी आपने बात की, तो बात इतनी सी कि अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है और हसीन शय को पसंद फरमाता है। तो इंसान जितना अच्छा रहेगा, अपने किरदार को अच्छा रखेगा, अपने आप को अच्छा रखेगा, किस लिए कि अल्लाह नमाज में हमारा अगर आप कहते ना कि कोई नंगे सर पर पढ़ ले और जेर नाज से लेकर घुटने तक भी अपने आप को छुपा ले, नमाज तो उसकी भी जाती है, लेकिन बात इतनी सी है कि नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं उस दरबार में जो रब का तमाम कायनात का मालिक है, उसमें जितना आप सज धज के जाए, जितना साफ सुथरे जाए, ऑफिसर है आपके रब आपको बुला रहा है और आप रब के पास जाए तो ऐसे चले जाए, तो बात इतनी सी है कि अल्लाह हसीन और हसीन शय को पसंद फरमाता है। बिल्कुल, ये जो बात है कि जब भी नमाज पढ़ने हम जाते हैं तो वही है कि हम अपने अल्लाह ताला के दरबार में पेश हो रहे होते हैं, तो ये हमें इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है, और आप लोग देख रहे हैं कि हम जो है वो सहरी कर चुके हैं, और जो हमारी शेफ़ हैं सामिया, उन्होंने बहुत मज़े के पराठे बनाए थे। आप यकीन माने कि मैं सोच रहा था एक पीस लूँ, फिर मैंने एक दो तीन चार पीसेस मैं खा गया हूँ,
अब उसके बाद देखते हैं कितना वेट जो है वो गेन होगा। वैसे खान जी कैसा लगा आपको, आपने इनकी डिश टेस्ट की, कैसा लगा? बहुत बेहतरीन डिश है जी। मैं तो वैसे ही बड़ा खुश खुराक हूँ और मैंने ज़िंदगी में ना कभी डाइटिंग की है ना मैं करूँगा। इंसान जितना अच्छा सेहतमंद खाना खा सकता है खाए, तो बहुत ज़बरदस्त था जी। ये पराठे मैं चाह रहा था ना ये सारे मैं ही खाऊँ, मगर ज़ाहिर है हम खुद यहाँ मेहमान हैं तो बस जो जितने खा गया उसके नसीब की बात है। मगर शुरुआत मैंने कर दी थी, आते साथ ही उसमें पहला हमला मेरी तरफ से था ताकि अच्छा खान जी ये बताइए खान जी कि आप का जो हॉस्पिटल है जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं, एक तो वह इलाका बड़ा पसमानदा है और वहाँ पर आपके हॉस्पिटल में क्या सहूलियात हैं आवाम के लिए और आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखें जी, सहूलियात तो एक मुकम्मल हॉस्पिटल है, 22 बेड का जनरल हॉस्पिटल है। हमने एक साल 4 महीने में मुनसलसल अनथक कोशिश से वहाँ पे इसे पसमानदा इलाके में, इसको मैंने चूज इसीलिए किया कि वहाँ बेसिक सहूलियात हैं ही नहीं और अतराफ में माशाल्लाह 10-10, 15-15 किलोमीटर बल्कि पूरे टाउन में मैं गारंटी देता हूँ आप खुद आके सरप्राइज विजिट करें, मेरे जैसा हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है। और मैंने उस हॉस्पिटल को इस तरीके से मेंटेन किया है कि एक साल 1.5 साल हो गया मैं और मेरी अपनी फैमिली हम वहीं से इलाज कराते हैं ताकि उस स्टैंडर्ड को मेंटेन, और वैलिड रुपीज़ लेते हैं पर्ची के, उसमें मेडिसिन फ्री देते हैं। 100 मरीजों में तो शायद 2 या 3 मरीज 100 रुपीज़ कम में पड़ते हैं, ज़्यादातर मरीज़ हमें 400-500 रुपए में पड़ते हैं, मगर हम उनसे 100 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं। और अगर किसी के पास नहीं है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर अन करीब इंशाल्लाह विद इन 2 या 3 मंथ मेरा इरादा है कि मैं अपने हॉस्पिटल से कैश काउंटर को बिल्कुल ख़त्म कर दूँ माशाल्लाह, और कहीं भी कोई पैसे देने की ना कहीं जगह ना हो। ठीक है, तो ये मैंने 3 साल का प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि इंशाल्लाह दिसंबर 2018 में मुकम्मल हो जाएगा और बस अल्लाह पाक जो है ना इस पर इसी तरह अपना खुसूसी करम फजल लाएंगे। हमारी टोटल थीम है कि हम रियल खिदमत करके दिखाएं लोगों को, बात पैसे लेने की या देने की नहीं है। इलाज जो है ना वो एक सुन्नत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आप किसी मरीज़ की इयादत करने जाएं तो आप उस मरीज़ से कहें कि वो आपके हक़ में दुआ करें, क्योंकि मरीज और उस दुख दर्द का मवा करना, उसका इलाज करना, हम उस खिदमत के जज्बे के तहत यहाँ उसकी बख्शिश और मफ़रत है। आमीन, आमीन, और उनकी मफ़रत के लिए मैंने ये इतना बड़ा सेटअप डाला है। ये हमारी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल तो एक अलग सी चीज़ है, इसको हम चलाने के लिए हर महीने मैं अपने जेब से एक्सपेंस करता हूँ। इस वक्त मेरे पास कोई बाहर का रिसोर्सेज नहीं, ये सेल्फ मेरी तरफ से चल रहा है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा है कि मुस्तकबिल करीब तक मुझे ज़रूरत भी नहीं है इंशाल्लाह ताला। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ लोग ज्वाइंट हैंड्स में आए और इसको ज्वाइंट हैंड बना के इसको हम एक चेन बनाएं और इस सिलसिले को जारी उसारी। बिल्कुल, जो भी मुखैर हजरात हैं वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। यहाँ पर हमारे सेट पर इस वक्त एक नन्ना मेहमान मौजूद है। क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान, नाराज हैं आप मुझसे? कोई बात हो गई है, मैंने कुछ कह दिया आपको, नाराज़ हैं आप? नहीं। तो मुस्कुरा के जवाब दें, आप तो इतना सीरियस बैठे हैं। अच्छा रेहान, आपको अभी वहाँ पर भी नज़र आए होंगे, रेहान यहाँ पे भी नज़र आए होंगे। रेहान जो है आज अपना पहला रोज़ा रखने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। आमीन। आज पहला रोज़ा रखने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं आप, तो आपने क्या सोचा हुआ है, कोई दुआ वो आपने सोची हुई है कि मांगनी है? क्या मांगनी है आपने? या अल्लाह, मैं आपकी वजह से रोज़ा रख रहा हूँ। ओहो, माशाल्लाह, बनेंगे आप फौजी? बनेंगे? वाह जी, पाक फौज को सलाम। नो डाउट हमारी जो फौज है जब तक वो हमारे बॉर्डर्स पर मौजूद है हम लोग यहाँ सुकून की नींद सो पाते हैं। तो फौजी बनके फिर आप दुश्मनों से लड़ेंगे? हुँ? पक्की बात है। और घर में सबसे ज्यादा आपको कौन अच्छा लगता है? मामू। अच्छा ना, अम्मी ना अबू, मामू। तो मामू क्यों अच्छे लगते हैं आपको, क्या वजह? मामू पैसे भी देते हैं, चलिए भाई अच्छी बात है, मामू पैसे देते हैं, अच्छे लगते हैं। और अब्बू नहीं देते, मना कर देते लगने उसको पैसे नहीं, यानी कि मामू साहब बहुत करीब हैं। चले जी, इनके लिए बहुत सारी दुआएं और आपके लिए ये गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा और अल्लाह ताला आपका पहला रोज़ा जो है वो कबूल करे और आगे आपको इसी तरह आप तरक्की करें। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सामिया कोई क्वेश्चन करना चाह रही थी आप मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, मुझे आपसे ये पूछना है, बेटी तो नेमत होती है, रहमत आप बता रहे थे, तो क्यों अक्सर जो है मैंने बहुत से घरों में देखा है और बहुत से पोस्ट पढ़े कि उनको सबसे पहला चाहिए बेटा ही होता है, क्यों? ये देखें, ये इस्लाम ने जब कहते हैं अब अल्लाह के रसूल सुन आए और जब नबूवत का हुजूर ने ऐलान फरमाया तो आप ये देखें कर दिया जाता था जिसके घर में बेटी पैदा होती थी,
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसी निज़ाम को तो ख़त्म किया है जो इस्लाम में ने जो अजमतें ख़वातीन की बयान फरमाई हैं। आप और माशरे में देख लें, वहाँ जो बेइज्जती जो औरत के साथ बदसलूकी की जाती है उसका जो फितरी जो असूल है ना, वो कुछ कुछ हमारे उन लोगों के जहनों में आ गया जो इस्लाम से दूर रहे हैं। मतलब हैं नाम के मुसलमान ही, लेकिन जो अरब की जहालत या कह लें या जो कहते हैं जहालत में लोग जो जिन्होंने परवरिश पाई है कि बेटियों को नाउज़ुबिल्ला वो कहते हैं कि एक कमज़ोर और बेटियों को नाउज़ुबिल्ला अल्लाह की नेमत के बजाय अपने लिए बोझ समझते हैं, तो इस्लाम ने पहला ही जो कदम ये रखा है। और रहमत इमराद की जहाँ ये कदम रखेंगी वहाँ अल्लाह बरकत अदा फरमा देगा, वहाँ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा देगा। और अगर देखिए फिर मैं हदीस में आता हूँ, फरमाते हैं जिस शख्स की दो बेटियों कितनी दो बेटियाँ और वो उस बेटी की सही परवरिश करे और अच्छी जगह निकाह कर दे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब करा। सुभान अल्लाह, अपनी बेटी को देखे ही ना, मतलब पैदा होते ही उसने अपनी बेटी की शक्ल ही ना देखी, सिर्फ इस वजह से कि उनको बेटी क्यों हुई। नहीं, ये एक फितरी हमारा ये जो बात है ना, ये इंसान का अपना फितरी जिम्मेदारी, अगर ऐसा किया है तो अल्लाह ताला ये जो अमल है ये इसका गुनाह है और इस गुनाह का खुद इसको जो सजा अल्लाह ताला इंतकाब फरमाएगा में साथ है। तो जाहिर सी बात है हुकूल इबाद करना अल्लाह का हुक्म है, तो जो ये हकूक अदा नहीं होगा तो कबीरा होगा सगीरा नहीं होगा। तो याद रखिएगा ये बेटी का हक है जो उसको हक देना चाहिए, और अगर आप कहेंगे सगीरा तो सगीरा नहीं कबीरा गुनाह है। कि बेटी का जो हुक्म है मैं आपको हदीस पहले मुकम्मल कर लूँ, फिर साहबी रसूल उठे या उसने फरमाया कि मेरी तो एक ही बेटी है तो मैं क्या करूँ, या मेरे लिए जन्नत का क्या हुक्म। फरमाया कि तुम अपनी तुम्हारी एक ही बेटी है ना उसकी अच्छी सी परवरिश कर लो और उसकी देखभाल कर लो और उसकी अच्छी जगह शादी कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हें भी जन्नत फरमाएगा। तो बेटियां अल्लाह की नेमत अल्लाह की ऐसी नेमत हैं कि यकीन माने कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए बड़े बड़े मामलों को हल फरमा देता है। अब ये देखें ना मेरी आकल सलाम की जो प्यारी बेटी है फातिमतुज़्ज़हरा खातून जन्नत हैं, रसूल खुदा सल्लम मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है, कुफार जो है ना कचरा फेंक देते हैं तो आप अपने नन्हे हाथों से उन कचरे को साफ कर दिए, तो मेरे आका के कितने करीब हैं बेटी। तो हुजूर ने अपनी क्या मर्तबा है, तो जो इस्लाम ने मर्तबा दिया है उसके अंदर तो ऐसा है ही नहीं कि बेटियों से रुख मोड़ लो। बिल्कुल, अगर आज के दौर में कोई ऐसा कर भी रहा है तो मुझे बड़ी इसका अपना हैरत है, मुझे बड़ी हैरत है कि अगर आज के दौर में भी इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि ये चीज़ प्रूव औरत के हाथ में होता है। और जहाँ तक दूसरी बात रही बेटियों की, तो जिन घर में बेटियाँ होती हैं वहाँ रहमत बरसती है, और अगर कोई ऐसा करता है तो बहुत गलत है। और बिल्कुल ऐसा एक जुमला कह दूँ आपको, याद रखिएगा अगर कोई सोचता है ना कि मुझे बेटा चाहिए बेटी क्यों गई, तो याद रखिएगा तुम्हें भी दुनिया में लाने वाली एक माँ थी। बेशक, इस जुमले को याद रखिए, बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम अमूमन लोगों के साथ रहता है कि गुर्दों में कुछ लोगों के किडनी स्टोन्स आ जाते हैं जी, और वो मेडिसिन्स नहीं लेना चाहते, फिर कोई ऑपरेट करने के लगते हैं, तो इसको शॉर्ट जवाब आप दे दीजिएगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसका बता दीजिएगा। देखिए, जिन लोगों को भी किडनी की प्रॉब्लम रहती हो वो अपने कंसल्टेंट का मशवरा भी जारी रखिएगा, क्योंकि इसमें क्रिएटिनिन यूरिक एसिड इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। और एक दाल आती है कुल्थी की दाल, थोड़ी सख्त दाल होती है, और उसकी आधे कप को 5-6 गिलास पानी में रात को भिगो दें और फिर उसके बाद सुबह इसे पकाएं, इतना पकाएं कि वो दाल नरम हो जाए और थोड़ा सा पानी भी रह जाए, और वो दाल चम्मच के साथ खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। इसी तरीके से सुबह भिगो दें, रात को बना के पिएं, दिन में 2 बार करना है, महीना 40 दिन करें, पथरी रेजा होकर निकल जाएगी। पानी का टेक कम से कम 15 से 16 गिलास रखें। 15 शुक्रिया अदा करेंगे खान जी साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि इनको जगह जाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है, और जहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्लाह ताला की नेमतों के हवाले से, डॉक्टर हरबल शाह नज़ीर साहब आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स अपनी स्मोकिंग की आदत को छोड़ना चाह रहा हो तो उसका कोई आपके पास है ऐसा इलाज? देखें, उसका एक तो स्मोकिंग एक आदत में आती है, नफ्सियात में आती है ये। अच्छा, ठीक है, तो इसको छोड़ने के लिए एकदम छोड़ना पड़ेगा। अगर ये कहें ना कि कम कम करके छोड़ देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन जो यूज टू है वो तो फिर एक के बाद एक वाला, अगर एक उसको प्रॉब्लम हो, जाहिर बात है अगर वो एक दिन कम पिएगा थोड़ी देर के बाद वो ज्यादा पिएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसे छोड़ा नहीं जा सकता।
एकदम से छोड़ना पड़ेगा। तो उसके नेमुल बदल में हम कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम च्युइंगम खा लें, दोनों को मिला के पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम खाने के बाद लें, तो ये आस्ते आस्ते जो सिगरेट की तलब है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, हर्बल में क्या तमाम चीज़ों का इलाज है? हर चीज़ का इलाज है। अगर किसी के दिल की शरियानों का मसला हो, उसके वॉल्स बंद हो, जी जी, तो उसको अगर वो खोलना चाहे, क्योंकि लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये बड़ा सेंसिटिव काम है और हम हर्बल या कोई भी ऐसी दवा यूज़ करें तो वो देर से अफेक्ट करेगी, तो ऑपरेशन ज़रूरी होता है, तो कुछ उसका है इलाज? देखें, उसके लिए मैंने जिस समय अर्ज़ करता हूँ कि जो भी हम रेमेडीज़ वगैरह बताते हैं तो अपने कंसल्टेंट का भी मशवरा जारी रखें, सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है ये। और एक छाल आती है, दरख्त है अर्जुन की छाल, अर्जुन अर्जुन का दरख्त, यहाँ अमेजना रोड पे भी बहुत लगे हुए हैं, और अर्जुन की छाल उसका 1 इंच का टुकड़ा, उसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, एक कहवा बना लें, 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त बना कर पिएँ। ये दिन में 2 बार पीना है, कम से कम 2-2.5 महीने इस्तेमाल करना है, और अपने डॉक्टर की दवा भी जारी रखनी है। अच्छा, आप उसके बाद अपना इको करवा लें, आपको इंशाल्लाह नुमाया फर्क मिलेगा। अच्छा, इससे कोई वॉमिट या वो तो नहीं आती? कुछ भी नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। ये जो इस पर शाह नजीर साहब ने, एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म कर, शाह नजीर साहब ने जिस वक्त बात की है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने डॉक्टर की दवाइयाँ भी जो है वो जारी रखें, क्योंकि लोग ये बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हम ये करें वो करें, लेकिन ये जो ये रेमेडीज बता रहे हैं ये आप जरूर इस्तेमाल करें। वहीं पर दो सिचुएशंस आती हैं, कुछ लोगों के अंदर मांगने की फिर वो एक लालच सी आ जाती है, तो अपने अंदर चीजों की लालच और रहमतों के मांगने में क्या फर्क? अच्छा, देखिए बात ये है कि अल्लाह ने एक नेमत दी है, और उसके बाद मिसाल के तौर पर वो सोचे कि मेरे पास एक गाड़ी है, और फिर ये लालच हो कि नहीं कि इससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन लालच ऐसी हो कि गाड़ी को लेने के लिए वो मुख्तलिफ ऐसे ज़रा इस्तेमाल करे जो नाजायज़ ज़रा हों। तो नेमतों का इजाफा होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नेमतों के हवस और लालच का शुमार जाना ये गुनाह सगीरा के ज़ुमरा और गुनाह कबीरा के ज़ुमरे में आता है। मिसाल तो अगर आपने हलाल पैसे के बजाय ऐसे पैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ज़रा से कमाने के लिए कि आपको वो चीज़ हासिल करनी है, तो ये लालच और हवस के इसमें आ रहा है। इसे कहते हैं कि कुरान ने फरमाया का शुक्र बजा लाओ, और जब तुम अल्लाह का शुक्र बजा लाओगे तो अल्लाह ताला खुद मजीद बढ़ा देगा। बेशक मुराद ये है कि अगर आप अल्लाह का मिसाल के तौर पर आपके पास एक गाड़ी, आप शुक्र अदा करें या अल्लाह तेरी रहमत है, लेकिन अगर आप इसको कहते ना कि इसमें तो थोड़ी सी भी गुस्ताखी करेंगे तो गलती हो जाएगी। बिल्कुल, जो चीज़ अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है बिल्कुल, और इंसान को मांगना चाहिए क्योंकि सिर्फ वही ज़ात है जिससे आप मांग सकते हैं, लेकिन उसमें लालच का लाना ये सब लाना बहुत गलत है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। रमज़ान हमारा ईमान सही होता है, जिसमें हम सबको दुआओं की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। आज हम बात कर रहे थे अल्लाह ताला की रहमतों के हवाले से, और बेशक जहाँ देखो वहाँ पर अल्लाह ताला की रहमतें नज़र आती हैं, और हमें इन रहमतों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब ये रहमत हमारे पास से चली जाती है जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, तब हमें एहसास होता है, चाहे वो सेहत की सूरत में हो, चाहे वो माँ बाप की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। तो जो अल्लाह ताला ने आपको रहमतें दी हैं इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। कल इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा हाजिर होंगे। अब मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूंगा कि दुआ की जाने पर जाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या सत्तार, गफ्फार, रब्बुल आलमीन, आज की नशिस्त में या अल्लाह आमदन सिरन जो गलती होता है उसे माफ़ फरमा। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, या अल्लाह ये अशरा मुकम्मल होने वाला है, इस अशरे की इस घड़ियों में या अल्लाह हम पर और रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, तेरे मगफरत का अशरा शुरू होने वाला है, या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, हम सबको सब जिन घरों के अंदर रिस्क में तंगी है, या अल्लाह रिस्क में फरावानी अता फरमा। या अल्लाह या रहीम या करीम, जिन घरों के अंदर बीमारी है, चाहे रूहानी बीमारी हो चाहे जिस्मानी बीमारी हो, तमाम को शिफा कुल्ली अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, जिन घरों के अंदर जवान बहने बेटी में अल्लाह गैब से नेक रिश्ते अता फरमा।
या अल्लाह या रहीम या करीम या सत्तार या गफार, इस मुल्क के पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। या अल्लाह या अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं या अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह कश्मीर फलस्तीन, या अल्लाह शाम इराक, जहाँ जहाँ मुसलमान